वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरन जोत एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो आपका दोबारा वेलकम करता हूं मैं। मैंने बीच में वीडियोस बनानी छोड़ दी थी बिकॉज दिसंबर एग्जाम्स जो थे वो मेरे स्कूल के बच्चों के भी और हो सकता है बाकी स्कूल्स के बच्चों के भी चल रहे हूँ। तो अभी जो एक रिमेनिंग चैप्टर रहता था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, टेंथ क्लास का बेसिकली यही रहता था। दूसरे दो चैप्टर्स जो हैं वैसे तो वो मैंने अपने स्कूल वालों को बच्चों को करवा दिए हैं, बट वीडियोस अभी रहती हैं स्टैटिस्टिक्स एंड और आपकी प्रोबेबिलिटी की भी, तो वो भी मैं बनाऊंगा, नो डाउट। तो आज की जो वीडियो जो हमने जहां पे छोड़ा था सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, दैट वाज एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th क्वेश्चन, तो वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई विल स्पीक आउट द क्वेश्चन नाउ एंड यू विल लिसन इट केयरफुली एंड देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन 5th क्या है? A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 cm. तो उन्होंने क्या बताया हुआ है कि वैसे तो कोन जो हम दिमाग में सबसे पहले दिमाग में कोन जब बात करते हैं कोन कैसे आती है आइसक्रीम कोन के जैसे जैसे कि हम सोचते हैं इट इज शेप लाइक दिस कुछ ऐसे बनती है। हम ऐसे सोचते हैं हमेशा से कि कोन जो आइसक्रीम कोन दिमाग में आती है ऐसी होती होगी कोन, बट असल में कोन जो हम जैसे मैंने आपको पहले बनाता हूं जब बनाता आ रहा हूं तो कोन जैसे ऐसे सीधा एक ट्राइंगल बना के ऐसे इसके रखते हैं जैसे कि एक बर्थडे कैप होती है कोनिकल शेप में सीधी उसको सर पे रखते हैं जब जैसे वैसे एक कोन को सीधा माना जाता है। अब इन्वर्टेड कोन बोल रहे हैं तो इन्वर्टेड ऐसे है इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी ऐसे है कोन जिसको हम एक्चुअल में सीधा भी मान लेते हैं बट असल में ये सीधी नहीं ये उल्टी है। तो ये कोन ऐसे बनी है एक इन्वर्टेड कोन है हमारे पास ये एक वेसल है इस शेप में है ऊपर से ओपन है ठीक है। इसकी हाइट बताई हुई उन्होंने 8 सेंटीमीटर। सो लाइन वगैरह अगर टेढ़ी टेढ़ी लग जाए थोड़ी सी तो आपने खुद सीधी कर लेनी है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वॉटर अप टू द ब्रिम। सो वट इज ब्रिम का मीनिंग क्या हुआ? पूरे टॉप तक पूरा फिल कर देते हैं वॉटर पानी के साथ इसको पूरा टॉप तक जहां तक पूरा पानी के साथ इसको भर दिया। दैट मीन्स अगर एक और भी बूंद अंदर जाएगी तो वो ऑब्वियसली बाहर गिरेगी इतना पूरा भर दिया उसको। ओके आफ्टर दैट दे हैव टोल्ड अस अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वॉटर फ्लोज आउट। लेड शॉट्स मतलब कि स्फेरिकल शेप्ड छोटी छोटी बॉल्स अगर जब उसमें हम फेंकते हैं तो मैंने बताया कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ था ठीक है पूरा ऊपर तक भरा हुआ था तो दैट मीन्स अगर एक लेड शॉट अंदर जा रहा है तो पानी गिर रहा होगा बाहर। तो कितना पानी बाहर गिरेगा? जितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट अंदर जाएगा उतनी ही मतलब कि जितनी स्पेस हम अंदर भेजेंगे जितनी एक स्पेस अंदर जाएगी उतनी स्पेस निकलनी चाहिए तभी हम अंदर जा सकते हैं। किसी एक रूम में एंटर करना है अगर वहां से पूरा भरा हुआ है एक भी बंदे की स्पेस नहीं है एक बंदा बाहर निकालेंगे तभी एक बंदा अंदर जा सकता है। इसी तरह से जितनी इसका वॉल्यूम है एक लेड शॉट का वॉल्यूम जो है एक स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम है इसको बड़ा करके बनाता हूं इसका एक बॉल का जो वॉल्यूम है उतनी ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर गिर रहा होगा तभी एंटर करेगी। तो ये जितने लेड शॉट्स अंदर गए हैं उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाहर गिरा है। तो उन्होंने बताया कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें था उसका 1/4 बाहर निकल गया हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स डालने के बाद ठीक है। तो एक लेड शॉट जो है उसका रेडियस दिया उन्होंने 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हम R1 ले लेंगे हाइट तो है ही इसकी h इसका रेडियस R2 ले लेंगे ठीक है। तो ये चीजें हमने पता करनी है ये कितने लेड शॉट्स उन्होंने अंदर डाले ताकि वो उतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन जो बाहर आ गया पानी कोन का 1/4 वॉल्यूम। ओके तो उन्होंने यही पूछा व्हेन द फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल R1 5 सेंटीमीटर
हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ लेड शॉट है स्फेरिकल, छोटी छोटी बॉल्स जिसको हम बोल सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये चीज एक आप ध्यान वैसे ध्यान में रखें, इस जो इसका वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया, कब, जब इसमें कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो है वो डालेंगे। सो एन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दीज बॉल्स स्मॉल लेड शॉट्स, एन टाइम्स क्या है यहां पे, द नंबर ऑफ लेड शॉट्स, तो एन इंटू द वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉटर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द वेसल, जो उसमें से बाहर आ चुका है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि जितना पानी बाहर आया था उसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन था ना, इज इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। ओके, तो इजीली पता चल रहा है क्या करना है हमने, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक कोन का क्या होता है, 1/3 पाई, कोन का रेडियस R1, हाइट h, पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो चुका है ना वॉल्यूम ऑफ कोन, तो उसका भी 1/4 जो है पानी बाहर निकला था। n इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई, इसका रेडियस R2 क्यूब, ठीक है। ओनली नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमें पता करने हैं, बाकी सारा चीज जो हमारे पास है, ठीक है, पहले पुट करनी है पहले पुट कर लो, बाद में पुट करनी है बाद में पुट कर लेना, पहले इसको इधर ले आना तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं, इसको इधर ले आता हूं सभी चीजों को, ये जो डिवाइड में है ऊपर आ जाएगा, मल्टीपल में वो नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस। ऊपर देखो 1 × 1 × πr1² h है, तो ऊपर क्या बन रहा है यहाँ पे πr1² h, और एक यहां से ये जो डिवाइड में ओनली एक 3 है ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले के साथ, नीचे से 3 इधर आ गया, नीचे यहां पे क्या है 4 और 3, 4 × 3 = 12 है नीचे, और यहां से एक 4 और π और R2 का क्यूब, ये चीजें आ जाएगी, n को छोड़ देना दूसरी तरफ अभी, तो यहां पे एक 4 एक π है हमारे पास, एक R2 का क्यूब है, और दूसरी तरफ सिर्फ n बचा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत इजीली पता चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये जो नीचे था वो ऊपर ले आए हैं, ऊपर वाली चीजें एज इट इज लिख दी, और जो ऊपर में था मल्टीपल में था वो नीचे ले आए, 4 × 3 = 12 के साथ मल्टीपल में 4πr² का क्यूब लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, जस्ट पाई और पाई कैंसिल हो रही है, पहले काट लो जो कट रहा है, 3 × 4 = 12, तो हमारे पास 1/16 यहां पे नीचे बचेगा, R1 कितना है हमारा 5, तो पुट करते हैं 5 × 5 × h कितना 8, नीचे 4 × 4 = 16, और R2 कितना है 0.5, मतलब के 5/10 × 5/10 × 5/10, मतलब 0.5 क्या होता है, पॉइंट हटाने पे 5/10, तो कटिंग कर ही लो। तो ये जो नीचे में 2 है सारे, ये जब हम रेसिप्रोकल करेंगे जो ऊपर जाने वाले हैं, ओके, 5 × 5 = 25, ये कटिंग कर लो वैसे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ये कट जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, ये 2 के साथ 1 2 कट जाएगा, ये हो ही जाएगा, चलो ये 2 के साथ 1 2 कट गया, नीचे सिर्फ 2 2s बचे हैं और ऊपर 2 5s हैं, ये भी ये 2s जो नीचे बचे हैं ये भी फर्दर डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो दैट मीन्स ये सीधे ऊपर जो जाएंगे तो इनवर्स होने वाले हैं, तो ऊपर क्या बच रहा है 25 तो है ही, और ये 2 × 2 = 4, ये भी सीधा होगा तो यहां पे ऊपर आ जाएगा 4, 25 × 4 कितना हो जाएगा 100। आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर इतना आना चाहिए, तो मैं जैसे मुझे इजी लग रहा है वैसे कर रहा हूं, ओके। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स जितने इसमें डाले गए ताकि 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन बाहर आ जाए वो कितने हैं, 100 लेड शॉट्स, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं इसके नोट करने के बाद, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole. Given that 1 cm of cube of iron has approximately 8 gram of the mass. So, ये question जो है बहुत easy है, मैं आपको समझाने वाला हूँ just, और diagram बताने वाला हूँ, आप easily इसको solve कर सकते हैं, बहुत ही easy question है. और पाई की वैल्यू ने बोला हुआ है 3.14 सेंटीमीटर, सॉरी 3.14 लेनी है, सेंटीमीटर में नहीं होता ये, इसके यूनिट्स नहीं होते. तो सबसे पहले क्या है, एक सिलेंडर बताया हुआ है जिसका बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर और हाइट 220 सेंटीमीटर है. ठीक है, बेस डायमीटर बोला हुआ है कितना 24, हाइट दी हुई है इसकी 220 सेंटीमीटर. तो यहां से आपका रेडियस कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है d1 24 और हाइट h1 वे हम r1 और h1 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एक और सिलेंडर की बात होने वाली है तो उसके रेडियस और हाइट डिफरेंट है. सरमाउंटेड बाय इसके ऊपर एक और पोल, सिलेंड्रिकल शेप्ड पोल के ऊपर एक और पोल लगा हुआ है, मतलब के सिलेंड्रिकल शेप्ड ही है. तो उसका क्या बताया उन्होंने, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. उसकी हाइट कितनी बताई हुई है, 60 सेंटीमीटर और रेडियस बताया हुआ कितना, 8 सेंटीमीटर. रेडियस 8 सेंटीमीटर, यार रेडियस r2 हमें ये रेडियस डायरेक्टली गिवन है, यहां पे डायमीटर था, यहां पे डायरेक्टली रेडियस गिवन है. तो ये जस्ट एक ना कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं, एक में रेडियस बता दिया एक में डायमीटर, ताकि बच्चा यहां पे भी अगर उसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो यहां पे भी उसको इसको फर्दर हाफ कर देता है डायमीटर के अकॉर्डिंगली. तो वो ये ध्यान में रखना है आपने, 60 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका उन्होंने मास पूछा हुआ है आयरन का, ये आयरन का बना हुआ है, इसका मास पूछा हुआ है. तो मास के लिए उन्होंने हमारे पास उसके 1 cm³ ऑफ द आयरन कितना ग्राम होता है, 8 ग्राम होता है, वो बताया हुआ है. तो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब की कोई वैल्यू दी हुई है ना हमें, तो दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस होल थिंग. तो ये यहां पे आपको इजीली पता चल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द फुल सिलेंड्रिकल पोल क्या होगा, तो यहां पे क्या है हमारे पास, वॉल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पोल हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर एंड लोअर, बोलू नीचे वाला लोअर सिलेंडर. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2 प्लस पाई r1 स्क्वायर h1. वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर वॉल्यूम जो होगा दैट विल कम आउट इन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, पाई पाई पहले कॉमन ले लेना. ठीक है, अंदर सिर्फ r1 और r1 r2 h1 h2 बचने चाहिए. तो ये इजी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. तो सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने मास में कैसे कन्वर्ट करना है, 1 cm³ हमें दिया जाएगा इज इक्वल टू 8 ग्राम. तो जितना आपका आंसर आएगा उसको यहां पे लिखेंगे तो दैट विल बी 8 × दैट जो आपका आंसर आएगा उतने ग्राम में आ जाएगा, ये जो आपका ये आएगा यहां पे पुट कर देना है, तो उतने ग्राम ऑफ आयरन होगा. तो ग्राम को अगर उन्होंने फर्दर केजीज में कन्वर्ट किया हुआ है तो फर्दर इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो आपका केजीज में आंसर आ जाएगा. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, करके देखिए, नहीं हो पाएगा देन यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. इसके अलावा और एक और चीज है, बच्चे मुझे बहुत बोल रहे थे कि सर जो डिलीटेड सिलेबस है रिवाइज सिलेबस है उसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो आई विल मेक अनदर वीडियो. तो सीबीएसई का ही एक हमारे पास और डॉक्यूमेंट आया था जिसमें डिलीटेड सिलेबस के बारे में लिया गया, जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्या क्या रिमूव्ड है, तो मैं वो इसकी वीडियो भी जरूर बनाऊंगा 9th और 10th के लिए बोथ क्लासेस. तो आपने वो भी ध्यान से देखनी है ताकि आपको फाइनल्स के लिए तैयारी करनी इजी हो जाए. ठीक है,
क्या क्या चीजें डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है वो मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, दैट इज द 7th क्वेश्चन। तो मैं बोलने वाला हूं वो क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो सब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसका हमें बताया गया है रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट दी गई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती लाइन, आप सही कर लेना। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये कोन कहां पे है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो दैट 60 सेंटीमीटर है, तो दैट मींस ये पूरा पूरा ऐसे हेमिस्फीयर का भी प्रॉपर आएगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। हेमिस्फीयर भी पूरा पूरा आएगा बिकॉज रेडियस सेम है ना उसका रेडियस कोन के साथ। ये इन दो इन इस ये जो सॉलिड बना है इसको कहां पे रखा गया, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो इसको एक सिलेंडर में रखा गया इसके बॉटम को, यहां पे देखो ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं कि ये टॉय जो है जो सॉलिड है ये बॉटम को टच कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन शायद हमने एग्जांपल में भी किया था, ठीक है, तो दिखा देता हूं आपको कैसे हो रहा है ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ इट्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180। अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 60 सेंटीमीटर, दैट मींस ये पूरा पूरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा पूरा आ रहा है उसमें सिलेंडर में, क्योंकि उसका रेडियस भी सिलेंडर का भी उन्होंने बताया हुआ है कितना है 60 सेंटीमीटर, इसका भी 60, इसका हेमिस्फीयर का भी 60, इसका भी 60, तो दैट मींस ये पूरा पूरा टच हो रहा है, इसलिए मैंने पहले ही टच कर दिया था, क्वेश्चन थोड़ा बहुत पता होता ना हमको। तो ठीक है, ये ऑलरेडी पूरा पूरा आ रहा है। और इसकी हाइट कितनी बताई हुई है, देखो कोन की हाइट है 120 और ये हेमिस्फीयर की हाइट, इधर अगर ये रेडियस 60 है तो इधर जाएगा तो अभी तो रेडियस 60 रहेगा, तो ये एक हेमिस्फीयर की एक तरह से हम बोल सकते हैं रेडियस ही हाइट होती है। दैट मींस ये टोटल हाइट कितनी हो गई, 120 प्लस 60 180, तो इसका मतलब ये टॉप भी टच कर रहा है ऊपर से, क्योंकि सिलेंडर की हाइट उन्होंने 180 बोली हुई है। ठीक है, मतलब कि ये टॉप से भी पूरा पूरा फिट आ रहा है यहां पे। टॉप से भी पूरा पूरा फिट आ रहा है। तो जब इसको इसके बीच में रख दिया तो बाकी जो स्पेस बची है उसमें पानी भर दिया उन्होंने, तो कितना पानी उसमें आएगा ये चीज पड़ी होने के बाद, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जितनी जगह बची है इसको अंदर रखने के बाद उसी में पानी आएगा। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे तो बाकी स्पेस बची हुई हमारे पास आ जाएगी, मतलब कि पानी कितना आएगा वो आ जाएगी, उतना वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको लिख लेते हैं पहले। हमारे पास रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर और सिलेंडर सभी का सेम है तो इसको आर ले लेते हैं। कोन का भी, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर, तीनों का रेडियस सेम है, हाइट ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर वो अलग अलग है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कितना पानी आएगा अब इसमें, जब इसमें हमने वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को रख दिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा वो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ठीक है, ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं,
चाहे तो अलग अलग दोनों को लिख दो, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चाहे ब्रैकेट डाल के वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो ऑब्वियसली अंदर जाके नेगेटिव हो ही जानी है। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन भी माइनस करना है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी माइनस करना है हमने। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या थी इसकी एच टू, माइनस ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट हमने एच वन लिखी थी, और हेमिस्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो ये लिख लेंगे बाहर, अंदर क्या बच रहा है, H2 माइनस 1/3 H1, मतलब कि H1 बाय 3 लिख लो, माइनस 4R बाय 3 है ना, एक R अंदर बचेगा ना, क्योंकि दो R स्क्वायर हमने बाहर निकाला है। देन पुट इन द वैल्यूज, बाई की वैल्यू अगर उन्होंने बोली हुई है तो हमने पुट करनी है 3.14, अदरवाइज 22/7, तो रेडियस 60 × 60, अंदर क्या बच रहा है H2, बचे H2 180 माइनस H1 120 ना, 120/3 माइनस, इसको काट लो, 3 × 4 = 12 ना, 40 आ जाएगा, और 4 × रेडियस क्या है 60, यहां पे ये भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, मतलब कि 140 से फर्दर 20 माइनस कर रहे हैं, तो 120 बच रहा है। ठीक है, कटिंग नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली सभी चीजों को मल्टीप्लाई करके नीचे 7 आएगा लिखना है। फर्दर अगर आप चाहें तो उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब, इतना अमाउंट ऑफ वाटर अंदर रह सकता है। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो आप प्रैक्टिस कर सके, इजी कैलकुलेशंस छोड़ रहा हूँ बहुत। ठीक है, तो यहां तक आपने ये इसको सॉल्व करना है, इसके बाद भी अगर चाहे तो पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, वो करके वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज द 8th क्वेश्चन। मैं बोलता हूं ये भी थोड़ा सा मैं आपके लिए एंड में छोड़ूंगा ताकि आपकी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है वो चलती रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तो मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा एंड में आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो 8th क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। तो हमारे पास एक क्या है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसका सिलेंड्रिकल नेक है। अच्छा, ऐसा ना क्वेश्चन एक पेपर में भी आया था, इसको सुराही बोलते हैं, तो बच्चों को पता नहीं था कि क्या चीज है, ये क्या शेप है, तो एक मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द शेप ऑफ अ सुराही, उसमें क्या था, स्फीयर के ऊपर सिलेंड्रिकल नेक होता है। ठीक है, तो ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल नेक के बारे में बताया गया है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली रेडियस 1 होगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, तो इस स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना बताया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड्स इट द वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा बोल रहा है कैलकुलेशन करने के बाद कि इसका वॉल्यूम निकल रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसके यहां वॉल्यूम निकल रहा है मतलब। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई की वैल्यू हमने लेनी है 3.14। तो हमने चेक करना है कि जो उसने आंसर निकाला क्या वो सही है कि नहीं सही है। ओके, तो हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमने चेक करना है। तो डायमीटर हमें दिया गया है स्फीयर का, क्योंकि दो डायमीटर है हमारे पास, इसलिए इसको 8.5 तो रेडियस क्या होगा,
इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसा भी अगर आप चाहें, क्योंकि ठीक है कैलकुलेशन तो आपने करनी, जैसे मर्जी कर लो, है ना, जैसे मर्जी लिख लो इसको। डायमीटर ऑफ सिलेंडर तो रेडियस क्या होगा, वन सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट बोली हुई इन्होंने, एट, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमने पूरी फिगर का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, इफ वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस उसमें कर दें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर, अच्छा स्फीयर का रेडियस क्या है, आर वन, है ना, आर वन क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर टू स्क्वायर एच, ठीक है, तो यहां पे आपने कैलकुलेशन करनी है, पाई कॉमन आ रहा है सिर्फ और कुछ नहीं, पाई की वैल्यू ने बोली हुई है 3.14 पुट करनी है, ठीक है, हाँ जी 4/3 रेडियस क्या है, आर वन है, दैट इज 4.25 ना, तो इसको आप लिख दो 425/100 इंटू 425/100 क्यूब था ना, तो तीन बार आएगा 425/100 प्लस आर टू क्या है, वन, वो तो है ही वन है, वन स्क्वायर इंटू हाइट एट है, ठीक है, तो ये देख लो कटिंग हो रही है 4 × 2500 होता है, तो इसको सीधा 25 पे बस एक ही काटना है, ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25, बस एक ही को काटना है, बाकी अगर ये 3 पे कट रहा है तो देख लो नहीं कट रहा 3 पे, तो ऐसे रहेगा ये, नीचे 3 और 4 जीरो, तो ऊपर 425 वगैरह सारा, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज अब बाकी जो है मैं यहां तक करने के बाद आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है आपके आप खुद के हाथों से वो ज्यादा बढ़िया होती है, आपने इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ऊपर लिखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेके 8 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप फर्दर कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो डाउट, मैं बिल्कुल नहीं आपको रोक रहा, जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, कैलकुलेट करके आपने एंड में जो आपका आंसर निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, अगर वो आपका 345 ही आ रहा है जैसा कि एक बच्चे ने निकाला, जैसे मैं क्वेश्चन में बताया जा रहा है, तब आपका आप कहेंगे कि यस यस द स्टूडेंट वॉज करेक्ट, अगर आपका आंसर उसके आसपास नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर उधर आ रहा है, उसका उसका कम या आपका ज्यादा आ रहा है, ऐसा समथिंग बराबर नहीं आ रहा है, तो आपने लिखा द स्टूडेंट वॉज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज दिस, तो आपने वो करेक्ट आंसर जो आपका निकला है यहां से निकलेगा वो आपने यहां पे लिख देना, ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होती हुई, ठीक है, आपने मुझे ऐसे ही फॉलो करना है, मेरे सम्स को निकालते रहते हैं ना, जैसे आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे समझते हैं, ऐसे ही करते रहना है, और जितना हो सके मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए, ताकि आप जो बेनिफिट ले रहे हैं वो और किसी के पास भी पहुंच सके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स मुझे यहां तक शेयर करने के लिए, फॉलो करने के लिए, और मुझे ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और वीडियोस डालता रहूं, तो थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।